आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। यह भारत का सॉफ्ट पावर है। कोरोना काल में इसके प्रभाव और उपयोगिता को पूरी दुनिया ने समझा और स्वीकारा। यही कारण है कि भारत सरकार भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए सतत प्रयत्नशील है। आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव का ही यह असर है कि अब यह राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में भी अपनी जगह बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में योग और आयुर्वेद के विस्तार पर जोर दिया है। घोषणा पत्र में न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद के विस्तार की बात कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी विकसित देशों में प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में योग और आयुर्वेद संस्थानों को सुविधा दी जाएगी। योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की व्यवस्था होगी। भाजपा के इस घोषणा पत्र को लेकर देश भर के योग व आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सक प्रसन्नचित हैं। नेशनल आयुर्वेद स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य प्रशांत तिवारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, योग और आयुर्वेद न केवल भारतीय विज्ञान है बल्कि यह देश की सभ्यता व संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो भी सरकार भारतीय विज्ञान का समर्थन करेगी, हम उनका समर्थन करेंगे। आयुर्वेद व योग दोनों ही बेहद जरूरी है। दोनों ही किसी भी बीमारी से बचाव व इलाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा इन दोनों ही चिकित्सा के माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए अपने घोषणा पत्र में इन्हें शामिल की है। इससे विश्व में अच्छा मैसेज जाएगा। निरोग समाचार की रिपोर्ट।